सब्सक्राइब कीजिए लेट्स लर्न चैनल को, बेल दबाइए और पाइए लेटेस्ट वीडियोस ऑन रीजनिंग एंड जीके। प्लीज शेयर इट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम औसत के बारे में पढ़ेंगे। औसत के अंदर मैं आपको एक ही फॉर्मूले से 5-6 प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इस फॉर्मूले का इसमें कोई भी यूज नहीं है अभी इस पार्ट में। हमारे सबसे जो पार्ट है वो यूजफुल है वो यह है कि किसी भी प्रकार की संख्या का औसत निकालने का सूत्र दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या दो संख्याओं के बीच का अंतर समान है तो आप इस फॉर्मूले से प्रश्नों को हल कर सकते हैं कि प्रथम पद को ले लीजिए, अंतिम पद को ले लीजिए और उसको जोड़कर दो का भाग लगा दीजिए, आपका औसत आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम 5-6 क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो प्लीज आप मेरे इस पार्ट को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न संख्या पहला है, लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। n प्राकृत संख्या जैसे जो एक से शुरू होती है उनको n प्राकृत संख्या कहते हैं, ये अंत तक होती है उनका योग क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसका पहला पद ले लीजिए और आखिरी पद ले लीजिए और उसमें दो का भाग लगा दीजिएगा तो n प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बटे 2, क्योंकि हमने ये आखिरी संख्या ले ली, ये पहली संख्या ले ली और इसमें दो का भाग दे दिया। तो इसका इस पे आप उदाहरण देखिए, लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार जो 50 प्राकृत संख्या आ रही है उनका औसत क्या होगा। तो सबसे पहले इसके में प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है तो मैं यहां से लूंगा एक, इसमें जोड़ दिया मैंने 50 और दो का भाग लगा दिया तो ये आ जाएगा 51 बटे 2 और इनका औसत कितना आ जाएगा 25.5। तो ये औसत आ जाएगा। इस तरह से आप जल्दी से क्यों कर सकते हो आप इसको। इसी प्रकार दूसरा देखिए, n तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। n तक आ गया, ऊपर और नीचे वाले प्रश्नों में दोनों में फर्क है। जैसे यहां पे n की जगह मैं यहां ले लेता हूं 50, 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 तक की, तो 50 तक की प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, एक प्लस यहां पर मैंने क्या लिखा 50, प्रथम पद अंतिम पद दोनों को जोड़ दिया और दो का भाग लगा दिया, कितना हो जाएगा 51 बटे 2, इसमें क्या आ जाएगा 25.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर भी। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार n सम संख्याओं का योग, तो इसमें भी आप क्या कीजिएगा, पहली सम संख्या और दूसरी सम संख्या अंतिम पद और उसमें दो का भाग लगा दीजिएगा तो वो आपका औसत क्या हो जाएगा। देख लीजिए, लगातार 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार 50 सम संख्याओं का औसत पूछा है तो पहली सम संख्या कौन सी है 2। अब 2 को आप क्या कर दीजिएगा, 50 से गुणा कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 100, ये 100 क्या हो जाएगा अंतिम। तो दोनों को आप देख लीजिएगा, 2 और 100 को जोड़ दीजिए और 2 का भाग लगा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 102 बटे 2, तो ये आ जाएंगे 51। तो आपके सही आंसर इसमें क्या आएगा 51। लगातार 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा 51। इसी प्रकार n तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसे n की जगह मैं यहां क्या ले लेता हूं 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। हमने देखा कि प्राकृत संख्या के अंदर तो आप कितने तक ही ले लो वो ज्यादा फर्क महसूस नहीं करता, पर यहां पे आपको यहां पे जरूर आएगा कि 50 तक की सम संख्याओं का, तो हमें यहां पे जो 50 तक ही सम संख्या आती है वो लेनी है। तो जैसे इसमें अंतिम पद आपका क्या हो जाएगा 50 ही हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रथम संख्या कौन सी है 2 और 50 तक यानी 50 भी ही लेनी है तो 50 को ले लीजिएगा आप, दोनों में 2 का भाग लगा दीजिएगा, ये हो जाएंगे 52 और ये 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 26। तो इसमें सही आंसर क्या होगा 26। तो दोनों में आप अंतर समझ लीजिएगा क्या होगा। आगे मैं और ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, पर दोस्तों उससे पहले मेरे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मैं अच्छे रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ रहा हूं आपके लिए।
तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार एन विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? वैसे तो देखिए लगातार एन विषम संख्याओं का औसत एन ही होता है। किसी भी एन विषम संख्याओं का औसत आपको पूछे तो वो औसत होता है एन, पर यहां पे मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला प्रश्न देखिए आप, 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली विषम संख्या कौन सी है? एक। एक पहली विषम संख्या है, तो अंतिम कौन सी होगी? 50 को आप किससे गुणा कर दीजिए? 2 से गुणा कर दीजिए, कितने आएंगे? 100 आएंगे, और इसमें से एक निकाल दीजिएगा, कितना आएगा? 99। तो ये आपकी 50वीं सम संख्या हो जाएगी, सॉरी विषम संख्या, 50वीं आपकी विषम संख्या हो जाएगी 99। तो आप क्या कर दीजिए, इसको 99 में जोड़ दीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए, ये आपकी होगी प्रथम संख्या, ये हो गई आपकी अंतिम संख्या, दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 100/2, ये आ जाएंगे आपके पास 50। तो मैंने कहा आपको पहले ही कि एन विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, एन ही होता है, पर यहां पर आप ये एन आपको याद रहा कि नहीं रहा, ये सम के लिए होता है, किसके लिए होता है, आप भूल जाइए इसको। प्रथम पद ले लीजिए, अंतिम पद ले लीजिए, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, आपको औसत आ जाएगा आपके पास। इसी प्रकार एन तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? एन तक, जैसे यहां पे मैंने कह दिया 51 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी 51 तक ही विषम संख्या लेनी है, तो आप इसमें प्रथम संख्या कौन सा ले लो? एक। अंतिम पद कौन सा हो गया? 51। दोनों को जोड़ दिया, 2 का भाग लगा दिया, निकाल देना आप 52/2। इसी प्रकार ये प्रश्न है 10, 15, 20, 25, 30 का औसत क्या होगा? अब आपको इसमें क्या करना है, देखो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 5 आएगा, इन दोनों का अंतर भी 5 आ रहा है, इन दोनों का अंतर भी 5 आ रहा है, जहां पर भी अंतर समान है, इन दोनों का भी अंतर 5 है, इन दोनों का भी अंतर 5 है, तो जहां पर भी अंतर समान आता है वहां पर आप क्या कीजिएगा, प्रथम पद ले लीजिएगा, अंतिम पद ले लीजिएगा, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दीजिएगा, यहाँ पे 45.2, ये आ जाएंगे आपके पास 22.5। तो सही आंसर आपके इसका ये होगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसी प्रकार 4 के गुणज का औसत क्या होगा? 4 के गुणज यानी जो 4 की टेबल है उसका आपको औसत पूछा है, तो आप उसमें पहला पद कौन सा होगा? 4, अंतिम पद 40, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 44/2, आ जाएगा आपके पास 22। 4 के गुणज की जगह यहां पे कोई भी दूसरी संख्या भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, आप तो उसको हल कर दीजिएगा, पहला पद जोड़ दीजिए, अंतिम पद जोड़ दीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए, आपके पास आंसर तुरंत सेकंडों के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या, मेरा ये अंतिम प्रश्न है, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा,